आईवीएफ के लिए अच्छा अस्पताल या अच्छा आईवीएफ क्लिनिक कैसे चुने? दोस्तों तीन बातें आपको ध्यान रखनी है कि जिस भी कंसल्टेंट से आप मिल रहे हो वो क्वालिफाइड है, आईवीएफ कंसल्टेंट है, उसके पास आईवीएफ का अनुभव अच्छा है। दूसरा, उनके पास जो आईवीएफ जो भी कर रहे हैं, जो इंजेक्शंस और दवाइयां हार्मोन्स हम लोग यूज कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड कंपनी के यूज कर रहे हैं, वो ऐसे ही बिना एक्सपेरिमेंट वाली चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं। तीसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट कि जिस भी आईवीएफ सेंटर में आप आईवीएफ कराना चाहते हैं वहां पे एम्ब्रोलॉजिस्ट 24/7 अवेलेबल है कि नहीं है, उस लैब के लिए एक एम्ब्रोलॉजिस्ट डेडिकेटेड है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि ये बैच बनाकर ढेर सारे लोगों का आईवीएफ कर रहे हैं। जब बैच बनाकर ढेर सारे लोगों का आईवीएफ करते हैं तो हम लोग पूरी तरह से जस्टिस नहीं करते हैं, क्योंकि आपको एज ए एम्ब्रोलॉजिस्ट भी पता होना चाहिए कि किस पेशेंट के लिए क्या चीज जरूरी है, कब हमें आईवीएफ करना है, कब हमें इक्सी करना है, कब हमको डिफरेंट डिफरेंट ड्रॉप्स ऑफ कल्चर मीडिया में उसको ग्रो कराना है। तो इसलिए ये तीन बातें बहुत जरूरी हैं। पहली चीज, आपका निसंतानता विशेषज्ञ। दूसरी चीज, जो दवाइयां हम लोग अच्छी कंपनी की अच्छी स्टैंडर्ड दवाइयां यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और तीसरा, आपके आईवीएफ सेंटर में इन हाउस एम्ब्रोलॉजिस्ट है कि नहीं है। जब ये तीनों चीजें होती हैं तो आपकी लैब भी एडवांस लैब होती है और आपके यहाँ सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड लेवल से और दवाइयाँ स्टैंडर्ड लेवल की इस्तेमाल होंगी, जिससे आपका रिजल्ट भी ऊपर अच्छा होगा।